इंडिया में कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? बहुत है। उन बच्चों को खिलौने चाहिए खेलने के लिए, नहीं चाहिए? यस और नो? यस। इससे आसान कोई काम हो सकता है? खिलौनों की दुकान खोल दो, बन जाओ जुगाड़ू अगर बन सकते हो तो। देखो अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर टच करते हैं। देखो अभी आप करोड़पति बने कहां से? मोबाइल रिपेयर के काम से, है ना। अब आप अरबपति बनने वाले हो खिलौनों की दुकान से। मैं सिर्फ सुतली दे करके छोड़ दूंगा, हाँ, और बाकी काम आपको करना है। मैं चिंगारी दे रहा हूँ, बम आपके अंदर से फटना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि हाँ। देखो खिलौने बच्चों को पहले भी चाहिए थे, आज भी चाहिए, आने वाले हजारों साल बाद भी चाहिएंगे। खिलौनों की इंडस्ट्री अपने आप में बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसमें लाखों लोग खप सकते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपने क्या किया? आपने कहा कि मुझे खिलौनों की दुकान खोलनी है। अब कहाँ खोलोगे? हलवाई के बगल में? कहाँ खोलोगे? बनो जुगाड़ू, लगाओ दिमाग। नहीं, स्कूल के पास क्या होगा? बच्चे अकेले जा करके खरीदेंगे? कब खरीदते हैं खिलौने? एक मिनट, कितने लोग यहाँ पर मैरिड हैं? मैरिड हैं जिनके बच्चे हो? बच्चे सबसे ज्यादा जिद कब करते हैं? एक मॉल में। और दूसरा बताता हूँ, और देखो देखो इसको कहते हैं, सुनना सुनना सुनना, अभी बात करते करते एक बड़ा मजेदार आइडिया आया है। आप कहोगे कितना खुराफाती दिमाग है इस बंदे का। देखो यही सोच चाहिए, यही सोच चाहिए, और ये अभी सेकंड्स में हो रहा है। सोचो इस काम के ऊपर आप एक महीना लगा दो और फिर इस काम को शुरू करो तो कैसा होगा ये काम, कितना कमाल का होगा। देख पा रहे हो? देखो कहाँ खोलनी चाहिए आपको दुकान? बच्चे बीमार हैं और माँ लेकर के जा रही है बच्चों को एक डॉक्टर के पास में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जहां पर लाइन लगी हुई है कि आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, मतलब एक एक घंटे बाद नंबर आ रहा है। तो एक घंटे तक बच्चा बीमार है, माँ उदास है, माँ चाहती है कुछ देर के लिए बच्चा अपने दर्द को भूल जाए, बच्चा खुश हो जाए। बच्चा खुश होता है खिलौनों से, खिलौनों की दुकान है जस्ट उसके सामने। सोचो क्या होगा। और आप क्या कर सकते हो? देखो आपने क्या कहा, मैं जितने भी बच्चे आएंगे यहां पर उनको फ्री में, अब ऐसा काम कोई नहीं कर रहा पूरे इंडिया में, इसको बोलते हैं जुगाड़ू सोच। देखो फ्री में बिना पैसे लिए बलून्स दूंगा। आपकी कॉस्ट कितनी है एक बलून की? 5 रुपए। मान लो 2 रुपए की है, उसमें गैस भर गई, ये हो गया वो हो गया, सब मिला के 5 रुपए की पड़ गई आपको। बहुत हाईफाई बलून नहीं, वो स्पाइडरमैन वाला बलून नहीं, सिंपल सा बलून जिसके ऊपर आपकी जो टॉय शॉप है उसका लोगो है। और अगर एक बच्चे को फ्री में बलून मिल गया तो अगर आप बच्चे हो या थोड़ी देर के लिए बच्चे बन के सोच सको मेरी इस बात को, तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा कि बच्चों को फ्री की चीजें कितनी अच्छी लगती है। माँ बाप को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। अब आपने क्या किया, 5-5 रुपए के 100 बलून्स फ्री में बांट दिए। आपका कितना लगा? 500 रुपए। उसमें से मान लो सिर्फ 20 लोगों ने आपसे टॉयज खरीदे और हर टॉय में आपको 200 रुपए का मार्जिन मिला, कितना कमाया आपने? 4000 रुपए। लगाया कितना था? 500 रुपए। लगाया 500 रुपए, कमाया कितना? 4000 रुपए। कुछ भी गलत किया आपने किसी के साथ में? यस और नो? नो। ईमानदारी से, तरीके से, एक दिन में अगर आपने 20 टॉयज भी इस तरीके से बेचे फ्री के गुब्बारे बांट करके, तो आपने एक दिन में 4000 रुपए कमा लिए। महीने का कितना हुआ? फिर 1,20,000 रुपए पहुंच गए। कितना टाइम लगेगा इस पूरी प्रोसेस में? बहुत टाइम लगेगा। मान लो 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएंगे, तभी बुरा है क्या? अब इसमें आगे दिमाग लगाओ, इस काम को आगे बढ़ाने की कोई लिमिट है? यस और नो? नो। आप अपनी टॉय शॉप को कितना बड़ा कर सकते हो? शुरू में आपने रेंट पे छोटी सी दुकान ली, और लोग करते भी हैं, आंख खोल करके देखो अपने आसपास में एरिया में लोग कैसे ग्रो करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? एक दुकान खोलते हैं जो छोटी सी होती है,
आई एम 100% श्योर आपको भी ऐसी बहुत सारी दुकानों के बारे में पता होगा. फिर उसके साथ वाली भी ले ली, फिर वो भी ले ली, वो भी ले ली, वो भी ली, बड़ी सी दुकान हो गई. ऐसी दुकान चलता है. टॉय शॉप चल पड़ी. उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा कर लो. उसके बाद में कितनी भी टॉय शॉप्स खोलो, क्या टॉयज को आप सिर्फ ऑफलाइन ही बेच सकते हो? ऑनलाइन नहीं बेच सकते? एक बार आपकी दुकान आ गई तो कहीं भी बेचो. ऑनलाइन कितने टॉयज बिक सकते हैं? कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है. अब ये कैसे बिकते हैं? देखो एक बात और ध्यान से समझो. यहां पर एक और चीज, बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत कम लोगों को समझ आती है. आपने क्या किया, एक टॉय शॉप खोली और अपनी पसंद के टॉयज ला करके वहां पे भर दिए, क्या होगा? बंद हो जाएगी बड़ी जल्दी, गारंटीड बंद होगी. अभी बैठ करके रोगे कि यार ये संदीप ने आइडिया दिया टॉय शॉप का, फेल हो गया. समझो पहले मैं क्या कह रहा हूं. टॉय शॉप आपने खोली, उससे पहले आपने क्या किया? रिसर्च किया. रियलिटी के बेस पे, इमेजिनेशन के बेस पे नहीं. क्या है रियलिटी? आपकी दुकान तब चलेगी जब आपकी दुकान में वो टॉयज हो जो उन बच्चों को पसंद हैं जो उस एरिया में रहते हैं जिस एरिया में आपकी दुकान है. समझ आ रही है बात? हर एरिया के हिसाब से बच्चों की जो पसंद है वो भी अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स. 80-20 का एक रूल है, जो गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको 80% जो रेवेन्यूज आते हैं किसी भी बिजनेस में, 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी बिजनेस में, वो होता है 20% प्रोडक्ट से. मतलब आप 100 टॉयज अपनी दुकान में रखोगे, उसमें से 20 ऐसे होंगे जो बार बार बिकेंगे, 80 ऐसे होंगे जो कम बिकेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे उसमें से 80 में से जो बिकेंगे ही नहीं. तो आपने क्या दिमाग लगाया कि शुरू में मेरे पास में कोई बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लिमिटेड कैपेसिटी है. मान लो अगर दुकान का रेंट देने की आपकी कैपेसिटी है 10,000 रुपये, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दुकान तो मिलेगी नहीं, छोटी है. तो बजाय 80% ऐसे खिलौने रखने के जो बिकते ही नहीं हैं, जो मेरी पसंद के हैं, उससे अच्छा ये है कि 20% ऐसे खिलौने रखे जाएं जो बच्चों की पसंद के हैं, जो बिकते हैं. इससे क्या हुआ? आपने एक बहुत बड़ा जंप मार दिया. अब आपके पास सारे वो खिलौने हैं जो उन बच्चों को चाहिए जो आपकी दुकान में आ रहे हैं. इसके लिए आप थोड़ी सी खुफियाबंती भी कर सकते हो. यानी कि वो जो दुकानें आपके आसपास में हैं, जिस एरिया में भी आप खोलने वाले हो, वहां पर जा करके टॉय शॉप के पास में बैठ जाओ और नजर रखो कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो क्या खरीद के आ रहे हैं, किस तरह के खिलौने खरीद के आ रहे हैं. आइडिया तो लग ही जाएगा. तो आपको समझ आएगा कि अरे तेरे की, ये 4 तरह के खिलौने हैं जो बिके ही जा रहे हैं, भर दो अपनी दुकान को उन 4 खिलौनों से, आ गए मजे. क्या जरूरत है एक बड़ी दुकान खोलने की.